हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल टेक एंड मॉडिफिकेशन में, और मेरा नाम है प्रिंस। तो दोस्तों, आज की इस न्यू और ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक 72 या 80,000 का फ़ोन, हुआवे P30 Pro, जिसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको ये ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, कैसा है ये फ़ोन, क्या ये अपने प्राइस को प्रेफर करता है या नहीं, ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखते रहिए। आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आप सबके लिए बताऊंगा कि जो हुआवे P30 Pro फोन है उसका जो पूरे जो डिटेल है उसको कौन से लोगों को लेना चाहिए, कौन से लोगों को नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में जितनी भी डिटेल है आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अगर हो सके तो। तो दोस्तों अगर हो सके तो लाइक जरूर करके जाना, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फिर करता हूँ मैं अपने वीडियो की यहाँ से शुरुआत। हाँ तो दोस्तों चलिए फिर बात कर लेते हैं इस फ़ोन की जो है पूरी डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कलर में ये आपको मिल जाता है। तो दोस्तों 3 कलर में आता है, एक तो ब्लैक है, दूसरा कलर है अरोरा और तीसरा है ब्रीथिंग क्रिस्टल। तो दोस्तों ये 2 और 3 कलर में आपको देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ अगर यहाँ पे जो इस फ़ोन के बारे में जिसके बारे में ये जाना जाता है कि इसका जो कैमरा है वो काफ़ी फाड़ है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैक कैमरे की, जिसमें आपको 3 कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला कैमरा है 40 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी अच्छे शॉट्स ले लेता है, जो कि प्राइमरी कैमरा है। फिर उसके बाद आता है 20 मेगापिक्सल का, फिर 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों इसमें साइड में आपको जो है फ्लैशलाइट के नीचे जो आपको 2 सेंसर्स भी मिल जाते हैं लोलाइट शॉट्स के लिए, यानी कि जो इस फ़ोन के जो लोलाइट शॉट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा गदर के होंगे। फिर मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो 50x जूम टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो है किसी भी पिक्चर लेते टाइम ये आपको जो है 50x जूम की जो है कैपेबिलिटी दे देता है, यानी कि एक मिनी DSLR की तरह काम करता है। अगर किसी बंदे को फ़ोटो खींचना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो वो ये फ़ोन डेफिनेटली ले सकता है, क्योंकि अपने जेब में ही एक छोटा DSLR होगा। दोस्तों चलिए फिर बात कर लेता हूँ यहाँ के जो इस फ़ोन के जो है फ्रंट कैमरे के बारे में। वो आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा, यानी कि इसमें भी आपको AI देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे जो है फ़ोन्स में AI का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर दोस्तों चलिए फिर बात कर लेते हैं मेन चीज़ की कि इसमें जो प्रोसेसर है वो कौन सा मिलता है। दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर है वो मिलता है क्रेन का 980, 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी से ये बना है, तो काफ़ी अच्छा जो है पावर कंज्यूमिंग जो है ये प्रोसेसर, यानी कि बहुत ही लो पावर कंज्यूम करता है और हाई परफॉर्मेंस जो आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इसके जो वेरियंट्स है वो 8 GB और 256 GB वाले एक ही वेरियंट्स में जो है ये फ़ोन मिलता है। और दोस्तों सिक्योरिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक के साथ साथ ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, यानी कि एप्पल की तरह आप इसके स्क्रीन पे ही टच करके जो है इस फ़ोन को खोल सकते हो। तो फिर चलिए फिर बात कर लेता हूँ मैं अब इसकी बैटरी की कि इसकी जो बैटरी है वो कौन सी है। दोस्तों इसकी बैटरी में काफ़ी सारी जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है हुआवे ने। तो सबसे पहले बैटरी की MAH की बात कर लेते हैं, तो वो आपको 4200 mAh की मिल जाती है, यानी कि 4200 mAh की। इसमें 40W का हुआवे सुपर चार्जर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 30 मिनट में इस फ़ोन को 70% चार्ज कर सकता है। फिर आपको इसमें रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाते हैं, यानी कि इसी के जैसे एक और फ़ोन जो कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है उसको आप भी चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, वो आपको ऑन द बॉक्स में नहीं मिलता, वो अलग से ख़रीदना पड़ता है। चलिए फिर बात कर लेता हूँ अब मैं इसकी स्क्रीन की। तो यहाँ पे जो इसकी स्क्रीन है वो 3D स्क्रीन मिल जाती है, यानी कि चारों तरफ से वो 3D कर्व है, ठीक है। ड्यू ड्रॉप नोच आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। OLED मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मानी जाती है LEDs में, वो आपको LED यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। चलिए फिर दोस्तों इसकी स्क्रीन की जो है डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो 16.4 सेंटीमीटर की जो है इसकी स्क्रीन है, 6.47 इंचेस की। तो फिर चलिए फिर दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें जो सिम है वो कौन कौन सी लग पाती हैं। तो डुअल नैनो प्लस SD कार्ड मिल जाती है, SD कार्ड की एक्सपेंडेबिलिटी आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है आपको। तो दोस्तों यही सब था आज की इस पूरी वीडियो में, डिटेल्स मैंने आपको इस फ़ोन के बारे में दे दी। अब अगर ये भी बता दूँ कौन से फ़ोन ये लोग जो है फ़ोन्स ले सकते हैं, पहला तो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है वो ये फ़ोन बिल्कुल ले सकते हैं, दूसरा जिनको फोटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो भी ये फ़ोन ले सकते हैं, तीसरा अगर मैं बात करूं गेमर की तो गेमर ये फ़ोन ना ही लें तो ही अच्छा है, क्योंकि 80,000 में काफ़ी जो है बेहतरीन फ़ोन आ जाता है, यानी कि
रोग है असूस का, वो आप ले सकते हो, तो वो भी जो एक बहुत ही अच्छा गेमिंग फ़ोन है। या फिर आपको कैमरा ही चाहिए तो 15,000 में हमारा रेडमी नोट 7 प्रो भी है। तो दोस्तों आप कैसी लगी आपको ये वीडियो, मैंने सारी डिटेल्स इस फ़ोन के बारे में दे दी या फिर मैं कुछ भूल गया, ये मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर इस चैनल के और भी ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियोज़ को आप नहीं खोना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बताइए कि इतना महंगा भी एक फ़ोन है जिसका जो है मिनी DSLR जिसको माना जाता है। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।